आज बांग्लादेश के आम चुनाव हो रहे हैं। देश के चुनावों पर सिर्फ पड़ोसी देश भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की दिलचस्पी की भी चर्चा हो रही है। 17 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से देश पर आखिर क्यों दुनिया के बड़े प्लेयर्स की नजर है? सबसे जरूरी कि पड़ोसी देश भारत के लिए ये चुनाव अहम क्यों है? बांग्लादेश की हसीना सरकार अगर दोबारा सत्ता पर काबिज होती है तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आपको इस वीडियो में सब बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेव, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार चौथी बार पीएम पद के लिए इन चुनावों में शामिल हैं। मुख्य विपक्षी पार्टियों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया है। ऐसे में चुनावों में शेख हसीना की जीत लगभग तय मानी जा रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे बीएनपी भी कहा जाता है, उसने बहिष्कार का कारण बताया कि उन्हें इस बात का कतई भरोसा नहीं कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएगी। उनकी मांग थी कि शेख हसीना पीएम का पद छोड़ें और एक अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव संपन्न कराएं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। भारत और चीन ही नहीं बल्कि रूस से लेकर अमेरिका तक की दिलचस्पी बांग्लादेश के चुनाव में बनी हुई है। इन देशों में से कुछ के लिए हसीना सरकार जरूरी है तो कुछ को बांग्लादेश की वर्तमान सरकार रास नहीं आ रही। अमेरिका की बात की जाए तो माना जाता है कि अमेरिका विपक्षी पार्टी बीएनपी के लिए बांग्लादेश में जमीन तलाशने की कोशिश में लगा है। इंडो पैसिफिक में बांग्लादेश का अपना एक स्थान है, ये बात किसी से छिपी नहीं कि इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए अमेरिका पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश की दिलचस्पी अमेरिका को कुछ अच्छी नहीं लग रही। बांग्लादेश 2016 में चीन की इस परियोजना से जुड़ा था। पिछले साल अमेरिका ने विशेष रूप से बांग्लादेश के आला अधिकारियों, नेताओं और न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। वही बात चीन की जाए तो चीन ने हाल के सालों में बांग्लादेश के साथ बहुत करीबी रिश्ते बना लिए हैं। इन संबंधों की बदौलत बांग्लादेश को ऐसे वक्त में पद्मा ब्रिज के लिए कर्ज मिला जब वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में साझेदार होने के अलावा चीन एक तरह से बांग्लादेश की कई बड़ी परियोजनाओं की फंडिंग भी कर रहा है। इसमें सड़क, सुरंग, रेलवे और पावर प्लांट शामिल हैं। चीन ने हाल ही में बांग्लादेश को 2 पनडुब्बियां भी बेची हैं। इसे उनकी पनडुब्बी डिप्लोमेसी का हिस्सा बताया जा रहा है, जो भारत सहित कई देशों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि भारत के लिए ये चुनाव क्या ला सकते हैं। भारत के लिए बांग्लादेश उसका कोई सामान्य पड़ोसी नहीं बल्कि उसके लिए वो रणनीतिक तौर पर उसका अहम साझेदार और करीबी दोस्त है। उत्तर पूर्व के राज्यों की सुरक्षा के मद्देनजर भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा अहम हैं। भारतीय नीति निर्धारकों का ये मानना है कि भारत को बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने चाहिए। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद से शेख हसीना ने भारत के साथ करीबी रिश्ते रखे हैं और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं कि भारत चाहता है कि एक बार फिर से शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता संभालें। जब भारत अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तरफ देखता है तो इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि 1996 से 2001 तक, फिर 2009 से लगातार भारत को बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग मिला है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास किए हैं। बांग्लादेश चुनाव के नतीजों का यकीनन भारत के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई में 14 पार्टियों का गठबंधन विपक्षी दल बीएनपी और जमाते इस्लामी के खिलाफ खड़ा है। कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां, विशेष रूप से इस्लामिक पार्टियां सत्ता में आ जाती तो बांग्लादेश में अराजकता फैल सकती है और इसका भारत के हितों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत चाहता है कि आवामी लीग एक बार फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करे।
2009 में जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में काम करने वाले उन नस्लीय विद्रोही गुटों के खिलाफ कार्रवाई की जो सीमा पार बांग्लादेश में रहते थे और भारत में अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। इस तरह उन्होंने भारत का भरोसा भी जीता।